हेलो वेलकम इन ए स्टडी मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास एथ की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उसके लिए अलग चैनल है उसका लिंक आपको यहां से मिल जाएगा जो कम्युनिटी पोस्ट के बगल में चैनल्स वाला सेक्शन है यहाँ पर आपको क्लास इलेवन ट्वेल्थ के लिए भी अलग चैनल मिल जाएगा अगर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग चैनल मिल जाएगा आप यहाँ से देख सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन हैं इसके ठीक अब इससे पहले कि मैं इन क्वेश्चंस को शुरू करूं मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 4.2 है ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है तो पहले हल्का सा समझ लेते हैं एक बार कि प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं उसके बाद इन क्वेश्चंस की बात करेंगे ठीक है तो यार देखो जो ये प्रोबेबिलिटी है ना इसको अलग कलर से लिखता हूँ मैं जो ये प्रोबेबिलिटी है ये मैथ्स की एक ब्रांच है जो इस बात से डील करती है कि किसी भी चीज़ के या फिर किसी भी इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं ठीक है थीके? याद रहे आपको कि हम चांसेस को प्रोबेबिलिटी नहीं बोलते हैं बल्कि चांसेस जो भी हैं वो मैथमेटिकली कितने हैं इस बात को जब स्टडी स्टडी किया जाता है बल्कि जो चांसेस हैं वो मैथमेटिकली कितने हैं मतलब चांस है अगर किसी चीज़ को होने का तो कितना ठीक है इस चीज को जब हम स्टडी करते हैं तब वो प्रोबेबिलिटी बन जाती है जैसे मान लो आपके पास एक कॉइन है ठीक है अब कॉइन को आप टॉस करते हो ठीक है कॉइन था कॉइन को आपने टॉस किया ठीक है तो जाहिर सी बात है टॉस करने के बाद या तो हेड आया होगा या टेल आया होगा तो इस बात के चांस तो हैं कि कॉइन जब गिरेगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा लेकिन वो चांस कितने हैं जब हम इसको स्टडी करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी ठीक है जैसे अगर मैं बात करूँ

प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अगर मैं ये हाफ निकाल के दिखाऊं तो कैसे निकालूंगा मैं आपको याद रखना है कि यहां पर यहां पर ऊपर आती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसी भी ठीक है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालते हैं तो ऊपर आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अच्छा फेवरेबल आउटकम्स का मतलब किसके फेवर में जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसके फेवर में ठीक है आप पूरा लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू अगर आप H की बात कर रहे हो ठीक है अब देखो यार यहाँ पे एक बात तो आप पक्का याद रखना कि नीचे हमेशा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आता है मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो जैसे क्वाइन उछाल रहे हो तो क्वाइन उछाल के क्या क्या आ सकता है सब देख लो कितने हैं वो वो टोटल आउटकम्स हो जाएंगी लेकिन फेवरेबल आउटकम्स हम उसे ही बोलेंगे जो इसके फेवर में होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो यहाँ पर एक एक यानी कि दो टोटल आउटकम हो गई दो लेकिन हेड के फेवर में कितनी आउटकम्स है यही वाली ये यह कितनी आउटकम है एक तो यानी हेड के फेवर में एक आउटकम है जबकि टोटल की बात करूँ तो एक और एक दो टोटल दो आउटकम्स हैं तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो हो गया अपने पास वो आ गया वन बाई अब वन बाई टू आप देख लो यार हाफ को ही तो रिप्रेजेंट करता है मतलब क्या होता है आधा दो का आधा एक है समझ में आगे बात इसी तरह से कुछ भी आप करोगे आप फॉर्मूला यही लगाओगे नंबर नंबर ऑफ ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आउटकम्स टोटल ठीक है आपको याद रखना है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट मान लो कोई इवेंट है कोई घटना है जो ई है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी जीरो से छोटी नहीं हो सकती या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी और किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कभी भी वन से बड़ी नहीं होगी या तो वन से छोटी होगी या वन के बराबर होगी ठीक है ऐसी ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए मतलब वो हो ही नहीं सकता और उसकी प्रोबेबिलिटी ही जीरो है चांसेस ही जीरो हो गए ठीक है तो मतलब हो ही नहीं सकता तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट ठीक है क्या बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट हल्का सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूं फिर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज के ठीक है की। अच्छा और ऐसी प्रोबेबिलिटी ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जिसकी प्रोबेबिलिटी वन आ जाए मतलब श्योर है कि वो होगा ही होगा तो इसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट अभी आपको समझाता हूं कि वन आने पे श्योर क्यों हो जा रहा है और जीरो आने पे इम्पोसिबल क्यों हो जा रहा है मान लो मान लो आपके पास एक बैग है ठीक है मान लिया आपके पास क्या है एक बैग है अब बैग में ठीक है तीन बॉल्स हैं और तीनों का कलर मान लो ग्रीन है ठीक है अब मान लो अगर आपसे पूछा जाए क्या इस थैले में बिना देखे आपको हाथ डालना है और एक बॉल निकालनी है और बॉल का कलर आ जाए रेड तो आप क्या बोलोगे क्यों यार ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं देखूं या ना देखूं इतना तो पक्का है ना कि बॉल जो भी है इसके अंदर वो सारी ग्रीन कलर की हैं तो रेड कलर की बॉल कभी आएगी ही नहीं है ना तो अगर हम फॉर्मुले से भी करें तो फेवरेबल आउटकम जो रेड के फेवर में हो कितनी बॉल है ऐसी एक भी नहीं है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है एक दो तीन तो नीचे आ जाएगा तीन तो जीरो बाय तीन मतलब जीरो तो देख लो यार तभी प्रोबेबिलिटी जीरो आ सकती है जब कुछ ऐसा इवेंट हो जो हो ही नहीं सकता मतलब इम्पोसिबल इवेंट हो ठीक है और इसी तरह से अगर मान लो आपसे कोई पूछे कि यार इसमें बिना देखे हाथ डालो और एक बॉल निकालो और बॉल ग्रीन ही आनी चाहिए ठीक है तो आप क्या कहोगे यार ग्रीन के अलावा तो कोई और कलर नहीं है चाहे मैं देखूं या ना देखूं क्या फर्क पड़ना है बोल जो निकलेगी वो ग्रीन ही निकलनी है ठीक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वन कैसे वन है आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई ऊपर लिखते हैं हम फेवरेबल आउटकम्स यानी ग्रीन के फेवर में कितनी है एक दो तीन नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम टोटल आउटकम कितनी है तीन तो तीन बाय तीन यानी एक हो गया ठीक है ये सारी चीजें आप याद रखना ठीक है जो भी मैंने आपको बताया है अब जरा क्वेश्चन शुरू करते हैं ठीक है क्वेश्चन शुरू करते हैं अभी मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल बेसिक नहीं बताया है क्लास नाइन्थ में हम इसको थोड़ा और एडवांस लेवल पढ़ेंगे ठीक है बट अभी फ़िलहाल क्लास एट्थ के लिए इतना काफ़ी है जो चीज़ें रह गई हम क्वेश्चन करते करते सीख जाएंगे देखो यार यहाँ पर जो ये पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला इसमें बोल रहा है लिस्ट दी आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं इसमें जो आउटकम्स होंगी वो हमें लिस्ट करनी है ठीक है तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वन के ए की यानी कि पहले ए पार्ट की बात करूं और यहां पे आउटकम्स क्या क्या होंगी वो मुझे लिस्ट करनी है तो आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगी देखो भाई स्पिनिंग व्हील है आपने ऐसा देखा होगा ना आइसक्रीम वाला आता है आप घुमाओ ठीक है उसमें नंबर लिखे रहते हैं वन टू थ्री जितनी आएंगी उतनी आइसक्रीम बट यहाँ पे ए बी सी डी लिखा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर आउटकम्स क्या क्या आ सकती है कहने का मतलब है ये घुमाने के बाद एरो किस किस पे रुक सकता है ठीक है तो या तो आउटकम ए आई होगी या फिर बी आई होगी या फिर सी आई होगी या फिर डी आई होगी अब यहाँ पे ए दो बार है तो आप अलग से दो नहीं दो बार ए नहीं लिखोगे मतलब क्या क्या सकता है वो बताना है भले यहाँ कितनी बार ए हो आप यहाँ पर एक ही बार लिखोगे तो ए बी सी या डी ठीक है ना ये सारी आउटकम्स हो गई अच्छा अगर मैं बात करूँ वन के बी पार्ट की ठीक है बी पार्ट में आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं भाई अच्छा बी पार्ट में क्या बोला गया है टॉसिंग टू दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो जब दो सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं तो पहले सिक्के पे क्या आया दूसरे सिक्के पे क्या आया दोनों को मिला के जब आप देखोगे तब वो एक आउटकम बनेगा ऐसा नहीं कि एक सिक्के को देख लिया हेड तो एक आउटकम आ गया दूसरे सिक्के का अलग नहीं क्योंकि यहाँ पे दो एक साथ उछाले गए तो पहले उछाले गए तब दोनों गिरेंगे तो दोनों पे नोट करोगे ना क्या क्या है तब वो एक आउटकम होगी जैसे मान लो पहले सिक्के पे आपने देखा हेड आया और दूसरे सिक्के पे भी हेड आया तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि भाई एक आउटकम हो जाएगी दोनों पे हेड आया हो या तो ऐसा हो सकता है ठीक या फिर आप कह सकते हो कि हो सकता है पहले पे हेड आ गया फिर दूसरे पे टेल आ गया जितने भी तरीके हो सकते हैं सब आपको लिस्ट करने हैं या हो सकता है पहले सिक्के पे टेल आ गया हो दूसरे पे हेड आ गया हो या फिर पहले पे टेल आया हो दूसरे पे टेल आया हो इसके अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता है तो यहाँ पर आउटकम्स ये सारी होंगी और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आउटकम्स ये सारी होंगी ठीक है इतना क्लियर है चलो अगला देखो अगला क्या है वेन ए डाई थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ इवेंट ऑफ गेटिंग दिस 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 एंड दिस मतलब क्या कि जब यहाँ पे एक डाई थ्रो की जाती है तब फर्स्ट पार्ट में क्या है कोई प्राइम नंबर आने का जो भी आउटकम्स है वो बता दो ठीक है नॉट प्राइम क्या क्या सकता है वो बता दो अभी प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है अभी हमें सिर्फ बताना है क्या क्या आउटकम होगी तो सबसे पहली बात तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या आ सकता है सबकी लिस्ट ही बना लो फिर शुरू करेंगे ठीक है सब कुछ लिख दो तो जो जो आ सकता है अगर एक डाई उछालेंगे आपने लूडो खेली होगी डाई जब उछालते हो तो क्या क्या होता है यार उसमें एक से लेके छ तक ठीक है तो इनमें से कोई एक आता है एक बार में ठीक अब बात करते हैं पहले का जो ए पार्ट है इसमें क्या है ए प्राइम नंबर ठीक है किसकी आउटकम लिखनी है ए प्राइम नंबर ठीक है अब प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन है वो लिस्ट कर दो यार प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके एग्जैक्टली exactly दो फैक्टर्स हों मेरी बात पे थोड़ा गौर देना एग्जैक्टली exactly दो का मतलब है ना दो से कम होने चाहिए ना दो से ज्यादा होने चाहिए एग्जैक्टली exactly दो फैक्टर तो देखो यार वन प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि वन का तो एक ही फैक्टर है खुद वन इसके दो फैक्टर नहीं हुए दो से कम है तो ये प्राइम नहीं होगा अच्छा टू जो है ये वन के टेबल में आता है और ये टू के टेबल में आता है मतलब इसके दो फैक्टर हो गए तो टू जो है वो एक प्राइम नंबर है इसी तरह से थ्री जो है ये भी एक प्राइम नंबर है ठीक है ना क्योंकि थ्री वन और थ्री के टेबल में आएगा फोर प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि ये एक के टेबल में भी आएगा दो के टेबल में भी आएगा और चार के टेबल में आएगा दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए दो से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए फैक्टर एग्जैक्टली exactly दो होने चाहिए ना ये एक और ये पांच के टेबल में आएगा यानी दो ही फैक्टर हैं पांच के तो पांच भी क्या हो गया पांच भी एक प्राइम नंबर हो गया इस तरह से प्राइम नहीं होगा दो से ज्यादा हो जाएंगे फैक्टर तो प्राइम नंबर कौन कौन है या तो दो या तो तीन या तो पांच ये हो गया प्राइम ठीक है अच्छा इसी के बी पार्ट में क्या बोला गया है नॉट ए प्राइम नंबर जो प्राइम नहीं है प्राइम नंबर ठीक है अब जो प्राइम नहीं है मतलब इनको छोड़ के जो बच गया लिख दो यार एक प्राइम नहीं होता है चार प्राइम नहीं होता है और छः भी प्राइम नहीं होता है ठीक है इतना समझ में आ गया अच्छा इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ सेकंड पार्ट के ए में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर टू की बात कर रहे हैं अभी हम ठीक है टू का फर्स्ट का ए और बी हो गया सेकंड का ए और बी करेंगे ए में बात करते हैं ए नंबर ग्रेटर देन फाइव ठीक है ए नंबर ग्रेटर देन फाइव पांच से बड़ा नंबर कौन सा होगा भाई पांच से बड़ा देखो जरा इसमें पांच से बड़ा कौन है छः एक ही नंबर है जो पांच से बड़ा हो सकता है ठीक है अच्छा इसके अगर मैं बी पार्ट की बात करूं इसमें क्या है ए नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा ए नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव जो फाइव से बड़ा नहीं है कौन कौन नहीं है फाइव से बड़ा एक दो तीन चार और खुद पांच भी पाँच से बड़ा नहीं होता पाँच के बराबर ही तो होता है पाँच ठीक है तो ये हो जाएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर टू समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर थ्री देखो इसमें हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी निकालना है इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अभी तक तो सिर्फ हम आउटकम लिस्ट कर रहे थे लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है चलो देखते हैं क्या बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन ए जो क्वेश्चन वन का ए पार्ट था ठीक है उसमें वो डी पे रुकेगा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है तो चलो क्वेश्चन नंबर वन पे चलते हैं एक बार ये रहा ठीक है ये देखो टोटल आउटकम्स कितनी है पांच एक दो तीन चार पांच ठीक है ना टोटल पांच आउटकम है और डी कितनी बार है डी के फेवर में कितने लोग हैं एक बार ही है डी प्रोबेलिटी क्या हो जाएगी एक बटे में पांच ठीक है एक बटे में पांच हो जाएगा तो यहां से याद रहे आपको कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी स्टॉपिंग ऑन डी क्या हो जाएगा ऊपर लिख देना फेवरेबल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ठीक है एक बार फॉर्मुला लिख दो कहीं ना कहीं ठीक है Outcomes कितनी कितनी के फेवर में एक। अभी मैंने आपको दिखाया। थी? पांच। ठीक है है? ना? फिर से देख लो आप चाहो तो। पांच, पांच तो एक, पांच। और के में कितनी बार बार। हो गया। ठीक। फर्स्ट पार्ट में आ गया इसी तरह से अगर मैं बी पार्ट की, की तो यहाँ पे क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नेज फ्रॉम कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर अगर आपको वीडियो देखनी है कि कितने प्लेइंग कार्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं क्या क्या कैटेगरी होती है उनकी तो उसके लिए एक अलग वीडियो है क्लास नाइन्थ की ठीक है कार्ड के बारे में सब कुछ बता रखा है उसमें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फिलहाल अभी यार एक ही क्वेश्चन है इसमें तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि टोटल चार एज कार्ड होते हैं एज कार्ड मतलब इक्का ठीक है जिसपे वन लिखा होता है तो कितने कार्ड होते हैं टोटल एज चार तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर एस कार्ड की ठीक है ए ने तो क्या हो जाएगा टोटल आउटकम यानी टोटल कार्ड कितने होते हैं बावन इक्के कितने होते हैं चार यानी इक्ो के फेवर में कितने कार्ड हैं चार और टोटल कितने हैं बावन इसको काटोगे तो फोर वन जा फोर फोर वन जा फोर वन और टू ट्वेल्व यानी फोर थ्री जा ट्वेल्व यानी कि वन बाई थर्टीन हो जाएगा ठीक है ये भी हो गया सी की बात करते हैं इसमें निकलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल इस फिगर में से ठीक है कैसा एप्पल होना चाहिए रेड एप्पल होना चाहिए तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितनी है एक दो तीन चार पाँच छ सात टोटल सात एप्पल्स हैं इसमें से रेड कितने हैं एक दो तीन चार रेड के फेवर में चार हैं तो चार बटे सात यानी फोर बाई सेवन ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री भी हो गया क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में क्या बोला गया है भैया कि नंबर्स वन टू टेन आर रिटर्न ऑन दिन सेपरेट स्ट्रिप्स कैप्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्सड बेल मतलब अलग अलग पर्चियों पे एक से लेके दस तक के नंबर लिखे गए हैं उनको आपस में अच्छे से मिक्स कर दिया गया है किसी बॉक्स में रख दिया गया है ठीक है वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम दी बॉक्स विदाउट लुकिंग इन टू इट एक स्लिप निकाली जाती है बिना देखे ठीक है तो पहला पार्ट करते हैं इसमें क्या बोला गया गेटिंग है नंबर सिक्स मतलब सिक्स आ जाए इसकी क्या प्रोबेलिटी होगी तो यहाँ पर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था प्रबिलिटी नंबर सिक्स ठीक है क्या हो जाएगा ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एक बार फमला लिखना जरूरी होता है ठीक है तो वो लिख दो देखो यार यहाँ पर पर्चियों पे एक से लेकर दस तक नंबर लिखे हुए हैं यानी जो सैंपल स्पेस अगर मैं लिखना चाहूँ कि क्या क्या टोटल चीजें हैं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये सारे नंबर लिखे होंगे ना पर्चियों पे अब हमें क्या करना है फर्स्ट पार्ट में सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सिक्स कितनी बार है एक बार है यानी तो एक ही पर्ची ऐसी है जो छह के फेवर में हो ठीक है ना क्योंकि सिक्स एक बार है और टोटल नंबर कितने हैं दस तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वन बाई टेन ठीक है फर्स्ट चीज समझ आ गई सेकेंड में क्या है ए नंबर लेस देन सिक्स एक ऐसा नंबर हो जो लेस देन सिक्स आए ठीक है एक ऐसा नंबर जो देन सिक्स है सेकेंड पार्ट में आ जाएगा तो सेकेंड पार्ट में क्या आ गया less than six. अब पूरा लिखना है बराबर देखो नीचे तो टोटल आउटकम्स हैं दस लेकिन छः से छोटा कौन कौन है ये सारे बाकी तो यार छः तो छः के बराबर है और बाकी चीजें छः से बड़ी हैं तो छः से छोटा कौन हुआ एक दो तीन चार पांच यहां तक तो कितनी आउटकम्स ऐसी हैं जो

यानी छः से बड़ा हो गया सात आठ नौ दस ये चार लोग ठीक है एक दो तीन चार तो यानी चार लोग इस बात के फेवर में हैं कि वो छः से बड़े हैं और टोटल कितना था दस तो टू टू जा फोर टू फाइव जा ट यानी टू बाई फाइव हो गया ठीक अच्छा ये हो गया थर्ड पार्ट अगर मैं बात करूँ फोर्थ पार्ट की ठीक है इसको मिटा देते हैं जो अंडरलाइन किया फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूँ वन डिजिट नंबर प्रोबेबिलिटी क्या वन डिजिट नंबर यार एक डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं यहाँ पर देखो इसमें सिर्फ एक ऐसा टेन ही तो है जो दो डिजिट का हो गया बाकी एक से लेके नाइन तक सब क्या है एक डिजिट के हैं भाई टेन में ही एक और जीरो दो चीजें आ रही हैं बाकी सब में एक ही डिजिट आ रहा है यानी कि नौ लोग ऐसे हैं जो वन डिजिट होने के फेवर में है और टोटल हैं टेन तो नाइन बाई टेन ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है इफ यू हैव अ स्प्रिंग व्हील विध थ्री ग्रीन सेक्टर्स ब्लू सेक्टर एंड वन रेड सेक्टर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर तो पहले ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी बतानी है फिर बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट ब्लू सेक्टर ठीक है मतलब क्या एक स्पिनिंग व्हील है जैसा कि आपने अभी देखा था क्वेश्चन नंबर वन में अब इसमें टोटल पांच सेक्टर है तीन हरे हैं एक ब्लू है और एक रेड है तो तीन एक चार और एक पाँच ठीक है तो इसमें पाँच सेक्टर हैं पाँचों बराबर बराबर ही बनाना आप मैं तो ऐसे रफली बना रहा हूँ एक दो तीन चार पाँच ठीक है मान लो ये सेक्टर ग्रीन कलर का है ये भी ग्रीन कलर का है ये भी ग्रीन कलर का है तीन सेक्टर तो ग्रीन है एक ब्लू है बी फोर ब्ल्यू और एक रेड है आर फोर रेड ठीक है मान लो यहाँ पे एरो लगा हुआ है इसको घुमाया जाता है तो एरो पे आके कौन सा रुकता है ठीक है तो कैसे करेंगे देखो यार प्रोबेबिलिटी पहले क्या पूछा गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर यानी कि एक ग्रीन सेक्टर पे आके रुके इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी आप लिख लेना देखो मैं सीधा कर रहा हूं। यहां पर ग्रीन के फेवर में कितने लोग हैं दो तीन तीन आउटकम्स ऐसी हैं जो ग्रीन के फेवर में हैं टोटल आउटकम्स कितनी है तीन और दो पांच यहां तक समझ में आ गया अगला क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर ठीक है तो प्रोबेबिलिटी नॉन ब्लू जो ब्लू नहीं है ब्लू कौन कौन नहीं है भाई जो ग्रीन है वो भी ब्लू नहीं है और जो रेड है वो भी ब्लू नहीं है तो ये चारों हैं जो ब्लू नहीं है ठीक है तो डिवाइड टोटल कितना है पाँच ठीक है पांचों भी समझ आ गया होगा आपको छठा क्वेश्चन क्या है फाइन दिलिटीज ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन टू यानी जो क्वेश्चन नंबर टू किया है हमने इसमें हमें क्या करना है इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वेश्चन नंबर में हमने सिर्फ इवेंट निकाल के छोड़ दिया था याद करो ये रहा क्वेश्चन नंबर टू इसमें हमने सिर्फ इवेंट निकाल दिए थे ऐसे ऐसे कि भाई प्राइम नंबर में ये आएगा ये ये आएगा आएगा ठीक है हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली थी तो अब इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर छह लिख दे रहा हूँ सीधा स्कॉप में यानी छह का सोल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं हम ठीक है देखो क्योंकि छह के लिए ये टेबल की जरूरत पड़नी है ना भाई तो एक एक करके करते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या है देखो जरा ध्यान से फर्स्ट पार्ट में प्राइम नंबर था तो यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर अ प्राइम नंबर क्या हो जाएगा टोटल आउटकम्स नीचे टोटल आउटकम्स मतलब क्या उछाला गया था यहां पर मतलब एक डाई उछाली गई थी तो टोटल आउटकम कितनी है एक दो तीन चार पांच तो टोटल आउटकम्स और प्राइम नंबर के फेवर में कौन कौन है एक दो तीन यहां से भी देख लो एक दो तीन तीन लोग हैं थ्री बाय सिक्स यानी वन बाई टू हो जाएगा थ्री वन जाए थ्री थ्री टू सिक्स पहला समझ में आ गया सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं उसको देख लो यार यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ठीक है नॉट तो, तो आ प्राइम नंबर ठीक है प्रोबेबिलिटी नॉट आ प्राइम नंबर तो टोटल आउटकम्स हैं सिक्स प्राइम नंबर नहीं है वो कितने है? एक दो तीन है तो जाएगा वन बाई सिक्स क्योंकि डाइव गई तो टोटल आउटकम्स सब वही लोगे ये वाली एक से लेकर छः तक ठीक है इसी तरह से इसके बाद आगे चलते हैं ठीक है अगले में क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी अ नंबर ग्रेटर देन फाइव एक ऐसा नंबर जो पाँच से बड़ा हो पाँच से बड़ा एक ही नंबर था छः टोटल आउटकम्स हैं छः तो एक बटे छः हो गया अगले में क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ए नंबर नॉट ग्रेटर देन फाइव जो फाइव से ग्रेटर नहीं है तो कितने लोग हैं एक दो तीन चार पाँच लोग ऐसे हैं जो पाँच से बड़े नहीं हैं टोटल आउटकम्स हैं छः ठीक है थीके? तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इस एक्सरसाइज के उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद